Since we have enough orientation and introduction with SPSS software, we have seen Kikaka environment hai, we have seen Iskikia menus hai, data view, variable view or output file syntax file, uh, data file. Humne dekh li and now let's practice with a very small questionnaire how we enter data into SPSS. It showed sa us a questionnaire. you usually have psychology ke students saying you will collect some data and then you will enter that data to SPSS. दीज आर द फाइव क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि पहला क्वेश्चन है वॉट इज डू यू यूज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उसके बाद उन्होंने पूछा है वॉट इज़ योर एज और उसके अंदर चार उन्होंने कैटेगरीज दी हैं विच इज़ फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स अबव ट्वेंटी फ़ाइव और अबव आपकी उसके फिफ्टी फाइव वट इज़ योर इनकम पर एनम कितनी है उसमें भी आपको उन्होंने चार कैटेगरीज बता दी हैं सो इट्स काइंड कैटेगोरिकल डेटा रादर देन जस्ट कंटिन्यूअस नंबर अगर आपको वो कहते हैं कि वट इज योर इनकम एंड यू आर सपोज और फ्री टू एड एनी वैल्यू तो वो हमारा प्योर कंटिन्यू स्केल होता प्योर क्वान्टिटेटिव स्केल होता बट स्टिल वी हैव गिवन दैम फोर कैटेगरीज के उनमें से ए बी सी डी में से पिक करें तो मे बी इट्स स्टिल क्वान्टिटेटिव डेटा स्टिल द नंबर्स बट ऑफकोर्स इट्स अ ऑर्डिनल काइंड ऑफ थिंग वी विल सी हाउडल इट उसके बाद है वॉट इज योर ऑक्यूपेशन जिसके अंदर उन्होंने uh, तीन ऑप्शन दी हुई हैं आप स्टूडेंट हैं इम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं और फिर उसके बाद आया वॉट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव अचीव्ड अकाम्पलिश्ड तो उसमें आपका है हाई स्कूल आपका बैचलर्स है और फिर आपका मास्टर्स डिग्री है लेट्स गो टू द एस पी एस एस एंड सी हाउ वी कैन एट दिस डेटा आई विल ओपन आ न्यू फाइल फाइल न्यू डेटा फाइल खोल दें या मेरे पास न्यू डेटा फाइल आ गई है और पहला मेरा क्वेश्चन था

कि हाइस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन और डिग्री आई हैव अचीव्ड तो ये मैंने वेरिएबल्स कर लिए हैं टाइप अब मैं हारे के आगे उनका टाइप बताऊंगी कि ये वेरिएबल किस टाइप का है सो so प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ येस और नो मे बी इट शुड बी क्योंकि मैं उसको वन और टू को जाके इधर बता दूंगी कि ये नॉमिनल डेटा है या फिर उसको मैं नंबर्स में भी कर सकती हूँ एज मेरा uh, ही वेरिएबल रहेगा और ऑक्यूपेशन uh, जो है मे बी क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ेगा कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है अगर उन्होंने कैटेगोरिकल दिया हुआ है कि स्टूडेंट है एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है एंड आई हैव टू सेलेक्ट नंबर तो फिर ये मेरा नुमेरिक रहेगा लेकिन अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन एंड यू हैव टू टाइप लेटर्स इन इट तो फिर डेफिनेटली आप यहां पर अगर इसको स्ट्रिंग करेंगे लेट्स मेक इट अ स्ट्रिंग वेरिएबल क्यों क्योंकि अगर आप नुमेरिक करते हैं तो उसमें फिर आप कोई भी लेटर टाइप नहीं कर सकते डेटा सेट के अंदर या डेटा व्यू के अंदर और फिर एजुकेशन है चूंकि उन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं मेट्रिक बैचलर्स और मास्टर्स सो इट्स अगेन नमेरिक डेटा इसको हम सारे के सारे को स्केल पे भी कर सकते हैं और हम नॉमिनल डेटा या ऑर्डिनल पे भी कर सकते हैं लेकिन लेट्स लीव इट एज अ स्केल वेरिएबल क्यों क्योंकि मैं इसको मे बी कंटिन्यू स्कोर और नंबर्स के तौर पर ही उसको कंसिडर करूँ लेकिन स्टिल आप उसको चूंकि आपने उसकी कैटेगरीज बना दी हैं, आप उसको इट्स अप टू यू कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है आप उसके अकॉर्डिंगली जो आपने एनालिसिस यूज़ करना है आप उसमें उसका लेवल डिफाइन कर सकते हैं नाउ वी विल गो टू द डेटा व्यू और इसके अंदर भी पर पहले चले डेटा व्यू में हम डेटा डाल देते हैं सो मे बी पाँच स्टूडेंट्स का मैं डेटा डालूँ कि पहला स्टूडेंट कहता है कि मैं यूज़ करता हूँ दूसरा कहता है नहीं करता और इस तरह से वन टू वन टू मैंने कर दिया है और एज चूंकि मुझे कैटेगरीज दी हुई हैं पहली कैटेगरी मेरी थी फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स तो मे बी मेरे पास ये स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी में है ये पहली कैटेगरी में है दूसरी कैटेगरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फ़ाइव है उसके बाद है ट्वेंटी फाइव अबाव और उसके बाद है थर्टी फाइव अबाव या फिर फिफ्टी फाइव अबाव तो मैं इसमें से रैंडमली मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कि वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं फिर उसके बाद इनकम है तो इनकम में भी मैंने उनको लेवल दिए हुए हैं के ज़ीरो से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक अगर इनकम है उनकी या फिर ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी थाउजेंड तक है या फिफ्टी से सिक्सटी है और सिक्सटी से अबब है तो फिर अकॉर्डिंगली उनका हम रिपोर्टेड इनकम लेवल एड कर देंगे और फिर ऑक्यूपेशन है कि आप स्टूडेंट हैं आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं सपोजिंगली ये मेरा स्टूडेंट है ये एम्प्लॉयड है ये स्टूडेंट है ये एम्प्लॉयड है और ये अनएम्प्लॉयड है और एजुकेशन में मेरे सारे ही बैचलर्स लेवल से ऊपर हैं तो टू थ्री टू थ्री मेरा डेटा है किसी का बैचलर्स है और किसी का मास्टर्स है सो दिस इज हाउ आई एंटर ऑल द डेटा लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई हैव टू टू गिव वैल्यूज ईच ऑफ द वेरिएबल जैसा प्रोडक्ट में आपने इसको बताना है कि वन का मतलब है येस yes, और टू का मतलब है नो अदरवाइज एस पी एस एस विल नॉट अंडरस्टैंड एंड इट विल टेक इट एज अ नंबर्स लेकिन जब आपने एस पी एस एस को बता दिया कि भाई अगर इस वेरिएबल में वन है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और अगर नो no है तो इसका मतलब है नहीं सिमिलरली आपने एज में भी इनको बताना है कि फर्स्ट कैटेगरी का मतलब है ज़ीरो टू फिफ्टीन ईयर्स और फिर सेकेंड कैटेगरी का मतलब है फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स ये आपने इसको बताना है कि दो का मतलब क्या है आपने अगर तीन डाला है तो तीन का मतलब क्या है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव और फिर आपने कहा है कि फोर का मतलब है ट्वेंटी फाइव एंड गिविंग वैल्यू लेबल्स हर वैल्यू का मतलब क्या है सो नाउ एस पी एस एस विल अंडरस्टैंड कि वन टू थ्री फोर का मतलब क्या है इसी तरह आपने इनकम में भी और ऑक्यूपेशन में भी और एजुकेशन में भी हर एक को वैल्यू लेबल्स दे देना है इफ इज मिसिंग डेटा यू विल डेफिनेटली स्पेल आउट मिसिंग डेटा है और डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब है कि आप उसमें माइनस नाइन या नाइन्टी नाइन कोई भी वैल्यू ऐसी वैल्यू जो कि ओरिजिनल डेटा में ना हो आप उसको कर सकते हैं यहाँ से आप कॉपी करके आप सारों के ऊपर भी सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यू डोंट नीड टू टाइप इट अगेन एंड अगेन और वो मिसिंग वैल्यू दे देगा और चूंकि इसको हमने स्ट्रिंग किया हुआ है तो स्ट्रिंग वेरिएबल में वो नहीं इस तरह के फीचर्स देगा और उसने ख़ुद ही इसको नॉमिनल के ऊपर कर दिया हुआ है सो so, डेसिमल्स में भी विर्थ में भी ये भी आपने बता दिया ये भी अलाइनमेंट भी कर दी सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वी एंटर द डेटा सो इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल रन अनालिसिस बेसिकली एंड वी विल स्टार्ट रियल स्टेटिस्टिक्स एंड वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड मैनुअली एंड देन वी विल डू इट इन spss